हेलो साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्क सिस्टमेटिकली पर। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रिबारिंग होती है वो क्या होती है, कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। तो बेसिकली हम एक छोटा सा अगर एक एग्जांपल जाने तो जो रिबारिंग है वो किसी भी एरिया को, कॉलम को, बीम को, लिंटल को, स्लैब, स्टेयर एक्सटेंड करने के लिए की जाती है। हम जो अभी इस वीडियो में देखेंगे वो हमारा ये जो छज्जा है ये टेपर में एक्सटेंड करना है। तो ये छज्जा हमें टेपर में जिस तरीके से एक्सटेंड करना है, मान लीजिए मेरे पास जो पहले ड्राइंग थी उसमें जो लेंटर था उसका फेस एकदम सीधा था, तो अब क्या हुआ है कि ये जो पास हुआ है तो थोड़ा एलिवेशन में हल्का सा हमें इसे टेपर दिखाना है। अगर जैसे बाहर की साइड से देखते हैं फसाड तो उसको टेपर में दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो स्लैब है हमारी इसके अंदर हम रिबारिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें इसमें जो सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है पहले हम उसकी भी बात कर लेते हैं। हमें इसमें चाहिए एक हैमर मशीन और बिट, मैं आगे बिट के बारे में भी बात करूँगा, एक एयर ब्लोअर जो कि आप देख रहे हैं चलते हुए हैं, और हमें कोई किसी भी कंपनी का एक केमिकल चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर हिल्टी और फिचर लॉक यूज़ करते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। वैसे और भी यूरोपियन कंपनीज हैं जो इस केमिकल को बनाती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं कि रिबारिंग कैसे की जाती है। आप इसको खुद भी कर सकते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भी करवा सकते हैं, बट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको जहाँ जो एरिया बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए हमारी ये स्लैब है, ठीक है, ये 6 इंचज़ की स्लैब है, हम इसमें अल्टरनेट 12 mm का सरिया जो है वो लगाएंगे। तो हम 12 mm का इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हमारा पहले जो सरिया था वो कंटिन्यू 12 ही था पीछे से, तो हम चाहते हैं कि उसको 12 का ही अब हम आगे दें। तो 12 mm का सरिया बढ़ाना है, या आपको कोई भी डाया का, अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ, या कोई भी आपको कितनी डाय का मतलब सरिया बनाना उसका 10x हो जाता है। मान लीजिए जैसे 12 mm का सरिया है तो हम लेंटर के अंदर, स्लैब के अंदर जो डेप्थ होगी वो डाय इंटू 10 होगी। मान लीजिए जैसे मेरा 12 mm का सरिया है तो मैं इंटू 10 करूँगा तो ये हो जाएगा 120 mm। तो ये करीबन 120 mm मैं इसको होल करूँगा अंदर, ओके। और इसमें मैं 12 का बिट यूज़ नहीं करूँगा, इसमें मैं 16 mm का बिट यूज़ करूँगा होल करने के लिए। उससे होगा क्या, जो मेरा 4 mm जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ वो 4 mm जो है हमारा जो केमिकल है वो इस जगह को कवर कर लेगा अच्छे से, और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारी ड्रिलिंग और होल की कि हमें होल किस तरीके से करना है उसमें, ओके। हम क्लीनिंग पे आ जाते हैं, क्लीनिंग हमें कैसे करनी है। जब हम RCC में ड्रिल करते हैं तो उसमें जो है कि डस्ट के कुछ पार्टिकल होल में रह जाते हैं। अगर हम इस कंडीशन में केमिकल को इंजेक्ट करते हैं ना रोड को, सरिये को अंदर फिक्स करने के लिए तो केमिकल लगाकर, तो उसमें क्या होता है कि जो अंदर डस्ट के पार्टिकल रह जाते हैं वो केमिकल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए वो हमें ना प्रॉपर मिल नहीं पाएगी। तो हम क्या करते हैं होल को क्लीन करने के लिए, मान लीजिए जैसे कि एयर ब्लोवर होता है, और तो इसी तरह एक राउंड ब्रश होता है जिसमें कि हल्की हल्की छोटी छोटी तारे होती हैं, तो हम उसको होल के अंदर डालकर उसको ब्लोवर से साफ़ करते हैं, जितनी धूल होती है बाहर आ जाती है और होल को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि केमिकल अच्छे से होल में जा सके और स्टील के साथ जो ओल्ड एरिया है उसमें अच्छे से बॉन्डिंग बना सके। तो यही होता है क्लीनिंग करने का फ़ायदा। तो ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक देख लिया है कि हमें मार्किंग कैसे करनी है और होल कैसे करना है और क्लीनिंग कैसे करनी है, अब हम बात कर लेते हैं केमिकल के बारे में कि हमें जो हमारा केमिकल है वो कौन सा लगाना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए। देखिए ये एरिया पे डिपेंड होता है कि आपके एरिया में अवेलेबल कौन सा है या आपको कौन सा लगाना है, आपके फिर आपके जो डिज़ाइनर है जिसने स्ट्रक्चर बनाया है वो आपको कौन सा रिकमेंड करते हैं। वैसे हम जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हिल्टी का यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो मार्केट में और भी कंपनियाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि क्या नाम है, ICFS है, फिशर है, और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं, मेरे को ज़्यादा कंपनियों के नाम तो खैर नहीं याद है।
तो आप इनमें से अपने एरिया के हिसाब से कि वहाँ पर क्या अवेलेबल है, या फिर आपका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर है वो आपको कौन सा रिकमेंड करता है, तो आप अपने हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये होगी केमिकल की बात। अब इस केमिकल को अप्लाई कैसे करना है, हमें जैसे होल है उसको फिक्स कैसे करना है, उसके अंदर फिल कैसे करना है, हम ये देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो जैसे हमारा होल 120 mm का है, तो हमें 60-75% जो केमिकल इंजेक्ट करना है, और सभी डाया पर यही अप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 16 mm का सरिया, तो 160 mm अगर आपने होल करा, तो वो जो होल है, डेप्थ है होल की, वो कम से कम 60-75% आपको फिल करनी है केमिकल से। तो हम ये देख रहे हैं जैसे कि इसको भरना है और स्टील लगाना है। जैसे हम इसको गन की हेल्प से भर रहे हैं और सरिया को राउंड राउंड घुमाकर अंदर फिक्स कर रहे हैं, इससे होता ये है कि जो केमिकल है वो बहुत प्रॉपर तरीके से सरिया के ऊपर प्रॉपर वे में लग जाता है, जिससे स्लैब को एक्चुअल जो स्ट्रेंथ लेनी होती है वो ले लेता है। और इससे जब हम सरिया को अंदर पुश करते हैं, तो हमारे जो 10-15% केमिकल है वो ऑब्वियसली बाहर आता है, जिसका ये मतलब है कि ये जो है अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है, और ये प्रॉपर जो है मेटल भर चुका है अंदर। और ये जो केमिकल 10-15% आपका जब आप होल के अंदर जो बार डालते हैं उसके अंदर बाहर आता है, सिर्फ ये यही इंडिकेट करता है जो अंदर एयर है, जो भी चीज़ें हैं वो कहना में बाहर आ चुकी है, और ये जो आपकी रिबारिंग प्रोसेस है वो ओके हो चुकी है। ये एक तरीके से चेक हो चुका है कि हाँ ये ओके है, अंदर अच्छे से फिल हो चुका है। चलिए, ये तो बात हो गई कि रिबारिंग हमारी ओके है, और मतलब कि अब हमें इसके ऊपर कास्टिंग करनी है। जैसे कि अब हमें स्लैब को एक्सटेंड करना है, रोडी को डालना है इसके ऊपर। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो इसमें आगे की साइड जो आरसीसी है, आप उसको थोड़ा थोड़ा आधा इंच के करीब पीछे से छील लें, जिससे कि क्या नाम है, जॉइंट आपका जो आए वो पीछे वाली कॉन्क्रीट से और आगे वाली जो न्यू है उन दोनों में एक बॉन्डिंग बन सके। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें करनी कब है, जो इसमें रेनफोर्समेंट डालनी है करनी कब है। मान लीजिए इसे 6-8 आवर्स हो गए हैं, या आप कोशिश कीजिएगा कि एक रात इसको सेट होने ही दें, ठीक है। आप नेक्स्ट डे इसकी शटरिंग कर आप इस पर आरसीसी डाल सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा, जैसे कि ये जो स्लैब है हमने एक्सटेंड करने के लिए इसमें रिबारिंग की है। आप यही रिबारिंग मान लीजिए कहीं आपको स्टेयर्स का, आप जैसे जीना होता है उसका एक्सटेंड आप सरिया छोड़ना भूल गए हैं ओवरलैपिंग, या फिर किसी कॉलम से एक बीम जाना था या आप उसको भूल चुके हैं, तो ये रिबारिंग प्रोसेस से ईज़ीली हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मगर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ओवरलैपिंग है हमारी वो डाया इंटू 45 या 50 रखिए, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो पूरी मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी मैं बहुत सी वीडियो बनाऊँगा, ये मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।